प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना। आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस समय प्यार के साथ आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य ग्रह कुंडली के किन किन भावों में विद्वान और प्रशासनिक अधिकारी बनता है। जिसके लग्न में सूर्य हो ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, उच्च अधिकारी बनते हैं, इनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जीवन में सफल होते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में सूर्य हो ऐसे लोग रंग से राजा होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में सूर्य बैठा हो ये पूर्ण विद्वान होते हैं, कई विद्या के ज्ञाता होते हैं, समाज में पूजे जाते हैं, अपने कला अपने विद्या के द्वारा देश विदेश समाज में नाम फैलाते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में सूर्य बैठा हो ऐसे लोग राजा के समान जीवन जीते हैं, ऐसे लोग को संसारिक सुख सामाजिक सुख पूर्ण प्राप्त होती है, ऐसे लोग साधन से संपन्न रहते हैं, इनके पास जो भी धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा होती है स्वयं की बनाई हुई होती है। जिसके कुंडली में दसवें भाव में सूर्य बैठा हो ये पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, कम परिश्रम में अच्छी सफलता पाते हैं, इच्छा से ऊपर उन्नति करते हैं, समाज में अच्छा यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में सूर्य बैठा हो ये विदेश जाते हैं, ऐसे लोग कम शिक्षा हो करके सरकार से उच्च पद पाते हैं, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, संसद विधायक मंत्री होते हैं, समाज में देश में विदेश में पूजे जाते हैं, इनका चौथापन पूर्ण सुखदायी होता है, इनके संतान भी योग्य होते हैं। ये आज छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहता है तो मेरे फोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। आप लोग के सहयोग के लिए मैं फोन नंबर बोल रहा हूँ, मेरा फोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।